इंसानों का बेजुबान पशुओं के प्रति स्नेह कितना गहरा है, इसका उदाहरण एनिमल रेस्क्यू टीम से आपको देखने को मिलेगा, जो कि सभी घायल पशुओं का उपचार कर रही है और इसके लिए किसी के सामने मदद की गुहार भी नहीं लगाते। अपने खर्च पर ही ये संस्था पशुओं की सेवा में जुटी हुई है। ये रिपोर्ट पेश है। इंसान खुद को सबसे अधिक बलवान समझता है, शायद इसी का परिचय देने के लिए वो अब अक्सर बेजुबान जानवरों पर जुल्म ढाता है। लेकिन इंसानों के बीच भी कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जो जानवरों के बारे में सोचते हैं। उन्हें ये पता है कि धरती जितनी हमारी है उतनी ही उन बेजुबानों की भी है। ऐसे ही कुछ लोग भीलवाड़ा जिले के कोटडी में भी हैं, जिनसे आज हम आपका परिचय करवाएंगे। ये बात करीब 1.5 साल पहले से शुरू होती है, जब कस्बे के ही गौरव सवालका ने अपने सामने तड़पते हुए पशु। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। को देखा गौरव से बेजुबान पशु को इस हालत में नहीं देखा गया और उसका उपचार कराने की उन्होंने ठानी। लेकिन उपचार के दौरान पशु ने दम तोड़ दिया और इस घटना ने पशु के प्रति गौरव के मन में एक अलख जगा दी और उन्होंने एक एनिमल रेस्क्यू टीम का गठन किया। बेजुबान जानवर तड़पता दी मिलता या बीमार मिलता या चोटग्रस्त मिलता, हम वहाँ पे जाके उसका इलाज करते थे। धीरे धीरे हमारी टीम में कुछ मेंबर और जुड़ते गए, टीम में बढ़ोतरी होती गई। आसपास के इलाकों में जाकर के ये गायों का व अन्य पशुओं का इलाज करते थे। हालांकि अब एनिमल रेस्क्यू टीम के सदस्य कोटडी के सवाईपुर के पास एक छोटा सा टेक केयर होम संचालित करते हैं, जहाँ जानवरों की देखभाल करने के लिए खुद अपनी पॉकेट मनी से इकट्ठा कर जानवरों का इलाज कराया जाता है। एनिमल रेस्क्यू टीम कोटडी की नींव रखने वाले गौरव सवालका कहते हैं कि इंसानों की मदद करने वाले बहुत हैं, पर बेजुबानों की मदद को कोई आगे नहीं आता है। गोवंश राजनीति का विषय बन चुकी है, जिस वजह से जगह जगह गौशालाएं खोली जा रही हैं, लेकिन गोवंश के अलावा भी कई जानवर हैं जिन्हें मदद की जरूरत होती है। अक्सर कुत्ते, बंदर, पक्षी हादसों में घायल हो जाते हैं, लेकिन उनके लिए कोई आगे आता नहीं। किसी को तो पहल करनी थी, इसी सोच के साथ इस समूह का जन्म हुआ। कुछ बच्चों के तो ऐसे भी है जो बोर्ड की परीक्षाएं हैं, दिन में पढ़ाई करते हैं, रात को जहां भी जैसा भी इनको टाइम मिलता है पूरी टीम के साथ ये जहां व्हाट्सएप के ग्रुप के जरिए किसी भी तरीके से वहां तक पहुंचते हैं और उनकी मदद करते हैं और मदद के लिए हमेशा ये तैयार रहते हैं। गौरव ने मेरे को बताया कि हम एक टीम चला रहे हैं, तो मैं भी इसमें जुड़ गया। फिर मैं भी इनके साथ ये कार्य करने लगा। गाय या पशु कोई मेरे को दिखता था तो मैं उसको इनके कॉल करता था। एनिमल रेस्क्यू टीम के कार्य से प्रभावित होकर लंदन में रहने वाले लोकेश शर्मा भी इस कार्य से जुड़ गए। उन्होंने इस टीम को डोनेशन देकर आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया। इस कड़ी में उनके साथ में अभिषेक शर्मा, जो वेटनरी का छात्र है, और एक राहुल कनावत साथ में जुड़ गए और इन्होंने बीमार पशुओं की देखभाल करनी शुरू कर दी। हम इनके साथ जुड़ गए और जब भी मेरे को फोन आते हैं तो हम तत्पर ये करते ही जब वहाँ पर आ जाते हैं और इनके साथ रेस्क्यू पे जाते हैं और हमारे मन में भी दया आती है और हम रेस्क्यू पे जाते हैं। इसी पीरियड में इन्होंने लंबी महामारी आ गई। लंबी महामारी में भी इन्होंने लवारिस गायों का खाड़ा पिलाना और उनको फिटकरी का छिड़काव करना आदि कार्य इन्होंने किए। दिन में स्कूल का टाइम में स्कूल का कार्य करते हैं और बाद में जो समय बचता है उस समय में ये कार्य करते हैं। गौरव सवालका ने बताया कि समूह के साथ सदस्यों ने मिलकर शुरुआत में जानवरों का घर पर इलाज शुरू किया। देखते ही देखते और भी कई लोग इस कार्य से प्रभावित होकर जुड़ने लगे। आलम यह है कि आज करीब करीब 24 से ज्यादा सदस्य हर रोज सेवा देने के लिए आ जाते हैं। कोई रिक्शा चलाता है तो कोई शिक्षक है, लेकिन ये सभी अपनी शिफ्ट के मुताबिक आते हैं और सेवा करते हैं। व्हाट्सएप पर ग्रुप बनाया कोटडी रेस्क्यू टीम के नाम से। उस ग्रुप के अंदर हमने और भी मेंबर जोड़े। आसपास के जितने भी एनिमल है वो हमारे जो भी बीमार पड़े हमारे साथ में हमारी रेस्क्यू कर सके। तो सेंटर पे आया था एक बार मैं, तब मैंने देखा कि गायों की हालत कैसी है, कैसे काम करते। मैं एक बार इनके साथ रेस्क्यू पे भी गया, फिर तब इनका जज्बा देखा मैंने, तब जाके मैं भी इस टीम में जुड़ा। जानवरों की सेवा करना अब इस एनिमल रेस्क्यू टीम के सभी सदस्यों के जीवन का हिस्सा बन चुका है। कहीं भी किसी घायल जानवर की जानकारी मिलती है तो एनिमल रेस्क्यू टीम का निजी वाहन लेकर वो पहुंच जाते हैं और फैसिलिटी में लाकर उसे इलाज और प्यार दोनों दिया जाता है। दिनेश पारिक के साथ दिलशाद खान, जी मीडिया, भीलवाड़ा। ये सिर्फ 1 एकड़ जमीन पर कृषि करके हर महीने 1 लाख तक कमाते हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।